नहीं, मीटिंग तो मेरी अपनी व्यक्तिगत है और कैबिनेट के विचार भी अभी व्यक्तिगत होता है। अभी तो इस बारे में विचार विमर्श हुआ है और हमने अपनी प्रपोजल हाईकमान को सबमिट कर दी है। सर, लंबा समय हो चुका है, आपको नहीं लगता कि अब कैबिनेट का विस्तार हो जाना चाहिए? नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन है, ये सत्ता सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन है। कैबिनेट का विस्तार जल्दी हो जाएगा और आप सब लोगों को कैबिनेट का जो इंतजार है वो जरूर होगा, तो उसके लिए भी हम पूरा समय आने पर आपको पूरा बताएंगे। कल राजभवन जा रहे हैं सर आप? कौन, मैं? मैं आज नहीं जा रहा राजभवन, कल तो मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। कल मेरा मुंबई में एक पुणे में एक कार्यक्रम है, उसमें जा रहा हूँ। लेकिन कैबिनेट विस्तार के लिए हमने सूची सौंप दी है, जैसे ही सूची आ जाएगी कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सर, जो ओपीएस है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पूरी कैबिनेट में ओपीएस लागू हो जाएगा, आप इंतजार करो। मेरा इसमें जो सवाल है, सवाल ये है सर, जो मोंटेक सिंह आहलूवालिया है उन्होंने सवाल उठाया है कि जो ओपीएस लागू करने की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ेगा, यो टेक ऑन? क्योंकि वो हमारा तो ये गारंटी है, हम तो दे ही रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाया है, संवारा है, इस दृष्टिकोण से इस महीने से मेरे को लगता है कि हम अभी हमारी कैबिनेट हो जाएगी और कैबिनेट में हम उसका पहली कैबिनेट में उसको हम लागू कर देंगे। सर, राहुल जी का हिमाचल में जो भारत जोड़ो यात्रा का कोई कार्यक्रम बन रहा है सर, कब का बन रहा है और किस तरह का रहेगा कार्यक्रम? अब वो कार्यक्रम तो अभी उसका रूपरेखा नहीं आई है, लेकिन 19 तारीख को राहुल गांधी जी का कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा का लग रहा है, उस संदर्भ में अभी हम सारे लोग अभी बातचीत करेंगे और जल्दी इस बारे में आपको जानकारी देंगे। सर, कोई रैली करने का भी है उसमें या फिर कोई? नहीं, वो तो अभी प्रोग्राम नहीं आया है, जैसे ही प्रोग्राम आएगा आपको बता दिया जाएगा। हम ये माने सर कल विस्तार नहीं होगा, ये तो पता नहीं है मुझे, आपने करना है सर। आप नहीं करेंगे? नहीं, आप मेरे को अगर आज ही सूची आ जाती तो मैं कल हो जाएगा, अगर कल नहीं सूची आती है तो परसों हो जाएगा, परसों सूची आती है नहीं तो फिर राहुल काल चला है 15 को हो जाएगा। आप कह रहे हैं आपने सूची हाई कमांड को सौंपी है? और मैंने सभी 10 लोगों की सूची सौंप दी है, हाई कमांड में वो फैसला करेंगे और जैसे ही मेल आएगी मैं आपको बताऊंगा। मतलब क्या माने कल संभावित है? कल हो सकती है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। सूची तो हमने जो अपनी चर्चा थी वो खत्म कर दी।